हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखिए दोस्तों, आज कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ। ये है जेरेनियम का प्लांट। जेरेनियम जो कि बहुत ही सुंदर फ्लावर है, ये दो कलर के हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत सुंदर प्लांट है। देखिए, ये देखिए कितना बुशी बना हुआ है और हर ब्रांच में जो है फूल आए हुए हैं। इसके देखिए इस टाइप से एक डंडी सी निकलती है और उस पर फूल निकलते हैं। ये देखिए, ये रेड कलर है जो कि बहुत ही फेमस कलर है और अधिकतर यही कलर पाया जाता है। इसमें और भी कलर आते हैं, ऑरेंज कलर, रानी कलर। ये जो कलर है रानी कलर, देखिए ये एक परमानेंट प्लांट है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसकी फ्लावरिंग जो है वो विंटर के बाद ही शुरू होती है। जैसे थोड़ी धूप मिलती है इसको तब शुरू होती है और गर्मियों तक ही रहता है। गर्मियों में ये फिर इसके फ्लावर कम आते हैं और बरसात में तो ये बहुत ही ख़राब हो जाता है। इसको बचाना बहुत मुश्किल होता है बरसात में। अगर आप बरसात से इसे बचा पाएंगे तो ये परमानेंट फ्लावर भी बन जाता है। ये मेरे पास लास्ट ईयर का ही प्लांट बचा हुआ है और दूसरे कलर जो थे वो सब ख़राब हो गए। और बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं होता है। और अगर बस आप पानी का केयर करें, इसे बरसात से बचाएं और गर्मी से बचाएं, तो ये विंटर के टाइम पे, मतलब ये अभी कुछ टाइम पहले इसमें फ्लावरिंग हुई है, जनवरी में इसमें फ्लावरिंग हुई है, जब मतलब थोड़ी ठंड कम हो गई है तो उस टाइम पे इसमें फ्लावरिंग हुई है। उससे पहले फ्लावरिंग नहीं हुई थी। देखिए, बस इसको बरसात में पानी से बचाना होता है और अभी भी इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। और खाद जो है वो मैं तो अधिकतर काउ डंग ही डालती हूँ। आपके पास जो भी खाद अवेलेबल है आप डाल सकते हैं उसमें। और बहुत सारे कलर होते हैं, मैंने देखे इसमें छोटे भी लगाए हुए हैं। ये कुछ और कलर के हैं तो, और जो ये फेमस कलर है यही रेड कलर होता है। ये देखिए, रेड कलर ही जो है इसका फेमस है, गुच्छों में रहता है। ये देखिए, ये देखिए, और इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जैसे इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, ये देखिए जो टाइट हो जाती हैं ब्रांचेज, इस टाइम पे भी आप कटिंग लगाएंगे तो ये लग जाएगा आपका। तो कटिंग से भी ग्रो होता है, बीज से भी ग्रो होता है, लेकिन कटिंग से भी ग्रो होता है। कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। ये मेरे सब कटिंग के ही प्लांट हैं तो आप इसको ईजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, इसको धूप चाहिए होती है और गर्मियों से इसको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो आप इसको थोड़ा शेड में रखें, सेमी शेड में रखें, और बारिश से बहुत ज़्यादा बचाना है इसको। और खाद वाद आप गोबर की खाद दे सकते हैं इसे, मैं तो गोबर की खाद ही देती हूँ ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा कीड़ा भी नहीं लगता है इसमें, ख़राब नहीं होता है। जो नॉर्मल आप अपने प्लांट्स में दवा ववा डालते हैं कीड़े वीड़े के लिए, वही आप डालें, वही काफ़ी है। कलर बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। देखिए, ये रानी कलर का है और पूरा बुशी बना हुआ है और ऑरेंज कलर भी आता है। मैंने इसमें ऑरेंज कलर भी बाई किया था लास्ट ईयर, लेकिन वो मेरा ख़राब हो गया, उसको मैं बचा नहीं पाई। बस यही प्लांट बचा है और यही मैंने कॉमन कलर देखा है सब अधिकतर लोगों के घर में। कलर तो बहुत सारे आते हैं पर कॉमन कलर यही रेड वाला होता है। और बहुत सुंदर प्लांट है, अगर आपको मिले कहीं से भी, इसकी कटिंग भी मिलती है तो आप कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। आप ज़रूर लगाइए और बहुत सुंदर लगता है और बहुत टाइम तक फ्लावरिंग करेगा। अभी बस बरसात के टाइम पे इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है, तो गर्मियों में भी ये पूरा फ्लावरिंग करेगा, बरसात में इसकी फ्लावरिंग जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आपको कहीं से भी मिले, और नर्सरी से भी, ये मुझे लास्ट ईयर मैंने ऑरेंज कलर का लिया था तो मुझे 40 रुपीज़ में मिला था। वो भी मुझे घर में आके उसने दिया था तो महंगा दिया था। अगर आप नर्सरी में जाके ख़रीदेंगे तो आप हमें 20 रुपये का मिलेगा, ये हमारे नर्सरी में। तो कुछ टाइम बाद मैं और ले लूँगी इनको। ये देखिए, और फिर उसको बहुत केयर करना पड़ता है इसका, मतलब यही है कि केयर ये करना पड़ता है कि पानी वानी से बचाना पड़ता है बरसात में, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं चाहिए, धूप में जल जाएगा, तो इसलिए यही केयर करनी पड़ती है। और तो नॉर्मल प्लांट है जो कि ईजी ग्रो हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।